So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के T3X डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर एल्बम एप्लीकेशंस के अंदर अपने फोटोज एंड वीडियोस को हाइड कैसे करेंगे। वैसे तो थर्ड पार्टी एप्स बहुत सारी प्ले स्टोर में मिल जाती हैं फोटोज एंड वीडियोस को हाइड करने के लिए, बट गाइस अगर आप चाहें तो अपने फोटोज एंड वीडियोस को अपने एल्बम एप्लीकेशंस के अंदर ही इजिली हाइड कर सकते हैं। गाइज एल्बम एप्लीकेशंस के अंदर फोटोज एंड वीडियोस हाइड करना काफी इजी है। वेन उसके लिए हम एप्स को ओपन करेंगे। ये हमारा एप्लीकेशंस है, यहाँ पर हम जिस भी वीडियोस एंड फोटोज को हाइड करना चाहते हैं उसको जस्ट यहाँ पर इस तरह से प्रेस करेंगे एंड उसको लॉन्ग प्रेस करना है इस तरीके से, और इसको सिलेक्शन एक बना लेना है। मींस कि ये जो हमारा इमेज है करंट टाइम पे सिलेक्ट है, इसको राइट साइड में थ्री डॉट का साइन होगा, इसको प्रेस करना है। देन एक ऑप्शन लास्ट में मिल जाता है हाइड का, जस्ट आप हाइड करेंगे तो ये जो फोटो हमारा था, लाइक ये जो पिक्चर थी हमारी, वो हाइड हो चुकी है। बट हम जो अपने हिडन फोटोज एंड वीडियोज है उसको देखने के लिए बैक करेंगे, सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करना है इसको एंड हिडन फोटोज पे क्लिक कर देना, जो भी हमने हाइड करा हुआ है फोटोज एंड वीडियोज यहाँ पर शो हो जाएगा। देन इसको लॉन्ग प्रेस करना है। अगर आप चाहते हैं अनहाइड करना तो इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अनहाइड का ऑप्शन है, सिंपली प्रेस करेंगे तो ये जो फोटोज है इजिली अनहाइड भी हो जाएगा। और गाइस ध्यान रखना, इसमें कुछ पर्सनल अपना लाइक प्राइवेटली और कुछ भी हाइड करना तो उसको मत करना, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिक्योरिटी दैट मींस कि इसमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, कोई भी इजीली आपके हिडन फोटोज एंड वीडियोस को देख सकता है, इवन कोई भी हाइड कर सकता है। आई थिंक समझे होंगे एल्बम एप्लीकेशन के अंदर फोटोज एंड वीडियोज हाइड कैसे करने थे Vivo के T3X डिवाइस के अंदर।